चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले, आइए कुछ चीजों को याद रखते हैं मैथ्स में, ठीक है। एक से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी वो मैं आज आपको बताने आपको स्मरण में रखना होगा। तो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25, ठीक है। 100 से 200 तक में होती है 16 और 200 से 300 तक में होती है 21। अभी तक एसएससी में लगभग 100 से 200 तक के बीच ही आया है। नेक्स्ट बार हो सकता है कि 200 से 300 पूछ सकता है और उससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। अभाज्य संख्याओं के मतलब, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जिसका फैक्टर 2 हो, या फिर यूं कहे तो जो एक या अपने को छोड़कर किसी और से डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो, भाग ना लगे, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या होती है, जिसमें प्रथम अभाज्य क्या होगा? वो होता है 2। अब एक मत समझ लीजिएगा, एक का फैक्टर 1 1, सिर्फ 1 एंड 1 होगा, लेकिन एक होता है प्रथम विषम संख्या, लेकिन 2 होता है प्रथम अभाज्य संख्या। उसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, यानी या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 2 से लगेगा, ठीक है। दूसरा अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 5। क्यों? क्योंकि वो 1 से डिविजिबल होगा और 5 से होगा, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा, किसी और से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। तीसरी अभाज्य संख्या होगी आपका 7। क्यों? क्योंकि वो 1 और 7 के सिवा किसी और संख्याओं से भाग नहीं लगेगा, नॉट डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर्स, या सिंपल कहे तो ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ओके। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने प्राइम नंबर होंगे, तो वो होंगे 25। 100 से 200 के बीच कितने होंगे तो 16, एंड 200 टू 300 के बीच होता है 21। इस तरीके से मैं अगले से आपको सेशन में बताऊंगी कि 1 to 100 में 0 की संख्या कितनी होती है, क्योंकि बीएसएससी में पिछले बार पूछा भी गया था। तो इस तरीके से मैं पूरा का पूरा बताने वाली हूँ, अब काम कर सुनिए।